स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास सिक्स एस एस सी सिविक्स चैप्टर थ्री आवर गवर्नमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट गवर्नमेंट मीनिंग एंड नीड, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सफ्रेजेट मूवमेंट, एंटी अपार्थिड स्ट्रगल, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी. Government meaning and need. Government is a system where a group of people governs a state or community. Means government एक ऐसा system होता है जहाँ पर groups of people means लोगों का एक group people का group governs करता है, state को govern करता है या एक community को govern करता है. It is required for the smooth running of the nation. जो government की requirement है वो एक nation की smooth running के लिए होती है. मीन्स एक नेशन या किसी कंट्री की गवर्नमेंट को या उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, उसके एक स्मूथ संचालन के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. अ गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो चाओस और कन्फ्यूज़न एंड एवरी वन हैज़ द फ्रीडम टू लिव एंड एन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स. यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है, मीन्स ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सिटीज़न को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न या चाओस ना होने पाए और वो फ्रीली रह सके और अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सके. उसके जितने भी बेसिक राइट्स होंगे वो उसको एंजॉय कर सके. गवर्नमेंट्स फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स. जो गवर्नमेंट है वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक सेट को फॉलो करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न पीपल. पीपल्स को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करती है गवर्नमेंट. जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ फॉलोड बाय गवर्नमेंट्स टू गवर्न अ पीपल. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स गवर्निंग प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स. मीन्स जो गवर्न करने के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं और एक फिलॉसफी है, उनको ये उनका ही ये स्टेटमेंट होता है. नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडेड. जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या होता है. प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही गवर्नमेंट का फंक्शन है. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, मेंटेन करना ये गवर्नमेंट का फंक्शन है. क्रिएटिंग अ कंडूसिव एनवायरनमेंट सो दैट पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स कंडूसिव मीन्स वी कैन से हेल्पफुल. मीन्स एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट का ही फंक्शन होता है कि उस हेल्पफुल एनवायरनमेंट की क्रिएशन के बाद पीपल्स जो है, सिटीजन्स जो है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ. मीन्स उनको समान अवसर मिल पाएँ. सेफ गार्डिंग द कंट्री एंड द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. जो एक्सटर्नल डेंजर्स होते हैं, मीन्स जो बाहरी खतरे होते हैं, उनसे सेफ़ करना कंट्री को ये भी और पीपल को ये भी गवर्नमेंट का ही फंक्शन होता है. इंश्योरिंग इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मीन्स जो पीपल की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सबको इक्वली हो पाए, इस बात को भी गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना होता है. मीन्स गवर्नमेंट ही ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सबको, पीपल्स को, सिटीजन्स को इक्वली हो रहा है या नहीं. इंश्योरिंग जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल. मीन्स जो उसके जनरल वेलफेयर होते हैं, सामान्य उसकी जो भलाइयाँ होती हैं उनको भी सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट के फंक्शन के इंक्लूडिंग ही. मीन्स जैसे बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ETC, इन सब का मैनेजमेंट करना भी गवर्नमेंट का ही फंक्शन है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लेवल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं. इंडिया इज़ द फेडरल रिपब्लिक. फेडरल रिपब्लिक इट फंक्शंस एट थ्री लेवल्स. ये थ्री लेवल्स पे फंक्शन करती है, वर्क करती है. सेंट्रल यूनियन लेवल. सेंट्रल मीन्स यूनियन लेवल. स्टेट लेवल, लोकल लेवल. ये थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. वी कैन सी हियर अ डायग्राम. थ्री लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट,
देन स्टेट गवर्नमेंट देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर ईजी मैनेजमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इन थ्री लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन कर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. गवर्नमेंट की पावर्स को इन थ्री लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि मैनेजमेंट ईजिली हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्री का ईजिली चल सके हो सके शासन भी सरलता से चल सके. लेट्स लुक एट दीज थ्री लेवल्स इन डिटेल. सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस एज शोन इन द इमेज. जैसा कि इमेज में दिखाया गया था कि ये गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट. इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन. ये पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशन का प्रतिनिधित्व करता है. The central government is headed by the prime minister. Means इसका head central government का head कौन होता है? Prime minister means हमारे प्रधानमंत्री. It takes care of the issues of national importance mentioned in the union list such as defense, railways and foreign relations. Means जो ये नेशनल इम्पॉर्टेंस मेंशन इन द यूनियन लिस्ट सच एज डिफेंस. ये किसको किन इश्यूज़ की टेक केयर्स करते हैं ये लेवल किन इश्यूज़ की टेक केयर्स करता है मीन्स जो यूनियन लिस्ट में दिया होता है डिफेंस रेलवेज एंड फॉरेन रिलेशंस को इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनकी टेक केयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क होता है. Now the state government at the intermediate level we have the state governments that represent India's states and the union territories. Means second level हमारा है state government इसके including we have the state governments the represent India's states. जो हमारा central government थी वो पूरे country को represent करते हैं उसका representation करते हैं जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है. द स्टेट गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स मीन्स जो स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है चीफ मिनिस्टर. इट्स फंक्शन इज़ टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन द स्टेट लिस्ट सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. मीन्स इसके जो फंक्शंस हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करना पब्लिक हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू रेगुलेशंस ऑफ माइनिंग ईटीसी. दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. नाउ द लास्ट लेवल इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. This operates at the lowest level. ये सबसे last level है हमारी government का. They are of two types. ये भी two types के होते हैं rural local self government and urban local self government. Rural local self governments include the gram panchayat. जो लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें होती है ग्राम पंचायत ऑफ विलेजेस. वाइल जबकि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर फाउंड इन टाउन एंड सिटीज़ मीन्स जो विलेजेस और विलेजेस होते हैं उनमें जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो होती है ग्राम पंचायत और जो अर्बन टाउन और सिटीज़ होते हैं उनमें सेल्फ गवर्नमेंट होती है हमारी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसमें क्या इंक्लूड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. जैसे विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है वैसे ही अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल पार्टीज़ कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है. इन एडिशन टू यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट देयर इज़ अनदर लिस्ट ऑफ फंक्शंस कॉल्ड द कंक्यूरेंट लिस्ट. कंक्यूरेंट लिस्ट मीन्स वी कैन से इसी के इक्विलेंट एक लिस्ट. बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट
these functions together, such as forest conservation, family planning, etc. ये भी एक means इन्हीं self government, local self government के equivalent ही ये भी एक level है, list है, union list में है, जिसके including क्या होता है, जो state government carry out these functions, ये functions जो है एक साथ चलाती है, जैसे forest conservation means जंगलों की देख रेख, उनका conservation, उनका उनकी protection, family planning, etc. Now we will see this diagram. Local self-government is divided into two part. First is rural local self-government and second is urban local self-government. Rural local self-government includes gram panchayat of villages, and urban local self-government includes municipal corporations, municipalities. We will revise the functions of central government. Union list, defense, railways, foreign affairs, banking. ये सारे वर्क होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं. स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो हैं लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, लैंड रिवेन्यू, एग्रीकल्चर, रोड्स, ब्रिजेस. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं टाउन्स एंड विलेजेस की टेक केयर करना. So students, we had studied about government meaning and need, functions of government and levels of government. Now other parts, example branches of the government, we will discuss in the next part. Thanks for watching.